आइए आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में मैं आप सबके लिए देखिए एक सॉक्स लेके आई आए जो कि किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि आप ये छोटे बेबी के लिए बनाना बताएं तो चलिए मैं उसे बताती हूँ यानी कि डेढ़ से दो साल के लिए तीन साल के लिए भी आ जाएगी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो सिलाई की बात करेंगे सिलाई दस नंबर की सिलाई है और यहाँ पर फोर प्लेवन है और यहाँ पर मैंने फंदे डाल के रखे हैं तैंतीस फंदे डाले हैं ठीक है थर्टी थ्री फंदे डाल के रखे हुए हमने और यहाँ पे पांच धारियाँ बना के कंप्लीट की हुई है आप चाहे तो यहाँ पे सात धारियाँ भी बना सकती हैं तो यहाँ पे मेरे एक दो तीन चार और ये पांच पांच धारियाँ बना के हमने कंप्लीट की हुई है अब यहाँ से सीधी तरफ से देखिए हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे ठीक है कलर चेंज करते हुए यहाँ से दोनों साइड मैंने बॉर्डर दोनों साइड उल्टा उल्टा बनाते हुए बॉर्डर बनाया हुआ था अब पहला फंदा हो यहाँ से हम धागा लगाएंगे अब यहाँ से देखिए पंद्रह फंदों को हम यहाँ पे सीधा सीधा पहले बनाएंगे लिए दो इस धागे को इधर कर देंगे तीन चार पाँच छ सात अगर ये धागा इधर आता है तो इधर ले लेते हैं आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये पंद्रह ठीक है तो एक बार फिर से देख लेते हैं दो चार छः आठ दस बारह चौदह और एक पंद्रह पंद्रह फंदे हमने यहाँ पे ढूंढिए हैं अब देखिए पंद्रह फंदे हम इधर छोड़ेंगे दो चार छ आठ दस बारह चौदह और एक पंद्रह बीच में हमारे तीन फंदे रहेंगे तो तीन फंदों में हम यहाँ पे डिज़ाइन डालेंगे तो देखें पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे ये तीन फंदों में पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे ही रखेंगे अब जो हमारे बीच का फंदा बीच के फंदे से एक रो नीचे हम यहाँ पर जाएंगे हर बार हम यहाँ से बुनते हैं यहाँ से नहीं बुनेंगे एक नीचे हम यहाँ से बुनेंगे तो यहाँ से हम बुनना शुरू करेंगे देखिए यहाँ से एक फंदे से पांच फंदा बनाएंगे हम तो एक बार हो गया एक फंदा हमने बनाया धागा खींचेंगे धागा घुमाएंगे दो हो गया फिर से यहाँ से बुनेंगे इसे तीन हो गया फिर से धागा घुमाएंगे चार और फिर से इसे बुन लेंगे पाँच पाँच बुनने के बाद ये जो हमारा धागा है इसे हम इस तरह से गिरा देंगे ठीक है अब तीन फंदों में से जो ये तीसरा फंदा इसे हम इस तरह से उतार लेंगे उतारने के बाद फिर से हमारे पंद्रह फंदे रह जाएंगे इन पंद्रह फंदों को फिर से हम यहाँ पे बुनाई शुरू कर देंगे इस तरह से सीधा सीधा बहुत इजी है इसे बनाना आप किसी भी साइज़ में इसे बना सकती हैं अगर वीडियो आज आज की थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और एक कमेंट भी कर दें कि वीडियो कैसी लगी आप सबको और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप लोग तो इस तरह से करते हुए देखिए हमने पहली सिलाई कंप्लीट कर ली है दूसरी सिलाई देखिए किस तरह से बनेगी दूसरी सिलाई लेंगे यहाँ पे देखें पहला फंदा को उतारेंगे इस तरह से उतारेंगे जैसे हम सीधा बुनते हैं ऐसे हम इस तरह से उतारेंगे धागा अपनी ओर करेंगे यहाँ से फंदों को हम उल्टा बुनेंगे जहाँ से हमने ब्लैक कलर का धागा उतारा हुआ था तो वहाँ तक हम इस तरह से उल्टा बनाते हुए जाएंगे यानी कि पंद्रह फंदों को हम यहाँ पे उल्टा बना लेंगे तो देखिए दो दो चार छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये पंद्रह ठीक है पंद्रह फंदे ने बुन लिए अब देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर का धागा है इसे हम इस तरह से उतार लेंगे अब धागा उस और करेंगे अब ये जो हमने एक फंदों से पांच फंदा बनाया हुआ था इन पांचों फंदों को हम सीधा बना लेंगे इसे सीधा बनाना है फिर से एक दो तीन चार और ये पाँच ये फंदा फिर से हम इस तरह से उतार लेंगे देखिए धागा अपनी ओर करते हुए यहाँ से हम फंदा को उतार लेंगे बाकी बच्चे फंदे को फिर से हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे तो ये हमारी ग्रीन कलर से दो हमारी लाइनें कंप्लीट हो जाएगी अब दो लाइनें हम फिर से हम ब्लैक की बनाएंगे देखिए इस तरह से करते हुए लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से करते हुए हमने देखिए उल्टे साइड पूरी लाइन हमने कंप्लीट कर ली हुई है अब सीधी साइड हम इस तरह से आएंगे इधर सीधा हो जाएंगे अब देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर से इसकी बुनाई करेंगे अब देखिए ब्लैक कलर से बुनेंगे दो सिलाई हमारी ग्रीन की हो गई अब दो हम ब्लैक से बुनेंगे तो इस तरह से लेंगे ब्लैक को अब यहाँ से हम सारे फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे प्लेन प्लेन ही बुनना है कहीं भी कुछ नहीं करना है जितने भी फंदे हैं सभी को सीधा बनाएंगे और उल्टी साइड से उल्टा लाइन बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं तो चलिए दो लाइनें फिर कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ पूरी सिलाई सीधी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ठीक है अब देखिए इस लाइन में कैसे बनाना हमें पहली लाइन में हमने यहाँ जो डिज़ाइन बनाया पंद्रह फंदे पंद्रह फंदे बुनने के बाद हमने ये डिज़ाइन डाला हुआ था इस बार हम सत्रह फंदे बुनने के बाद डिज़ाइन डालेंगे अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हम इस तरह से ले लेंगे अब यहाँ पे हम ग्रीन कलर लगाएंगे अब यहाँ से सत्रह फंदे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह अब जो ये फंदा जो हमने उतारा हुआ था देखिए ये वाला पंद्रह इसे भी हम बुन लेंगे सोलह एक फंदा और बुनेंगे देखिए इस ये दो धागे जो हमने उतारे हुए थे इसके बीच मेरे पांच फंदे देखिए दो चार और एक पांच ठीक है ये हो गया अब इसे भी हम इस तरह से बुन लेंगे देखें, ठीक है अब देखिए यहाँ से फिर से कहाँ गिन लेते हैं दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह और एक सत्रह सत्रह फंदे बुन लिए इधर भी सत्रह फंदे हम छोड़ेंगे दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह और एक सत्रह बीच में हमारे तीन फंदे आ गए तीन पंदों में से अब इस वाला फंदा जो है पहला वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे इस तरह से बीच का फंदा आ गया इसमें हम फिर से एक फंदे से पांच फंदा बनाएंगे लेकिन इस तरह से डालते हुए नहीं ठीक है एक फंदा नीचे से डालेंगे ऐसे लिया हमने एक बार बुना एक फंदा हो गया हल्का सा थोड़ा सा लूज़ रखेंगे इसे हम इसके बाद फिर से धागा घुमाएंगे, दो हो गया फिर से यहाँ से बुनेंगे तीन फिर से धागा घुमाएंगे चार और फिर से हम इसे सॉरी इसे बुन लेंगे पांच ठीक है इस तरह से बुन लिया हमने यहीं पे डालेंगे पाँच हो गए अब ये वाला फंदा हम इस तरह से गिरा देंगे फिर एक फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे ठीक है अब यहाँ से देखिए सत्रह फंदों को फिर से हम सीधा सीधा बना लेते हैं पहले इस तरह से चलिए सारे फंदों को यहाँ पर हम सीधा बना लेते हैं अब यहाँ से देखिए पहला फंदा उतारेंगे हम यहाँ पर इसके बाद यहाँ से सोलह फंदों को बुनेंगे एक फंदा तो हमने उतार लिया फिर से हम इसी तरह से करेंगे जो हमने उतारे हुए फंदे एक हमारे पास जो ब्लैक कलर के वहाँ तक हम इसे पहले बुन लेते हैं उसके बाद फिर से एक बार दिखाती हूँ आपको तो उल्टे साइड हर बार इसी तरह से बुनेंगे देखिए इस तरह से बुनते हुए जाएंगे हम टोटल सत्रह फंदे बुनेंगे इस तरह से बुनते हुए हमने उल्टी साइड कंप्लीट करनी है देखिए ये वाला फंदा हमने बुन लिए अब ये जो ब्लैक वाला फंदा पहले हम इस तरह से इसे उतारेंगे देखिए धागा उस और ले जाएंगे अब इन पांच फंदों को हम इस तरह से पहले हम बना लेंगे सीधा सीधा बनाएंगे देखिए एक सॉरी एक फंदा हमने बुना इसे वापस चढ़ा लेते हैं ये दूसरा फंदा ये तीसरा फंदा ये चौथा फंदा से इस तरह से बुनेंगे और ये पांचवा फंदा पांच फंदा बुनने के बाद धागा अपनी ओर कर लेंगे अब ये जो हमारा ब्लैक कलर का धागा इसे हम इस तरह से उतार लेंगे ठीक है ब्लैक कलर का धागा हमने इस तरह से उतार लिया अब सारे फंदों को हम यहाँ पर उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे तो चलिए कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ हाँ देखिए ब्लैक कलर से बुनेंगे पूरी सिलाई हम यहाँ पे सीधी सीधी बनाएंगे ब्लैक कलर से और उल्टी तरफ से उल्टी ठीक है ये दो लाइन हम बना लेते हैं जैसे मैंने यहाँ पे प्लेन बनाया हुआ था मैं उस तरह से दो लाइनें बना लेती हूँ फिर तीसरी लाइन में देखिए आपको डिज़ाइन किस तरह से बनाना है जब हम ये दो, दो लाइनें हमने ब्लैक की कंप्लीट कर लेनी है फिर सीधी तरफ से आएंगे, पहली लाइन में हमने जो बुना था देखिए पंद्रह फंदे, फंदे के बाद हमने ये डिज़ाइन डाला था दूसरी लाइन में हमने सत्रह फंदे के बाद डिज़ाइन डाला नेक्स्ट वाले जब डिज़ाइन डालेंगे फिर हम उन्नीस फंदों के बाद डालेंगे फिर इक्कीस फंदों के बाद डालेंगे ठीक है फिर तेईस फंदों के बाद डालेंगे टोटल ये जो डिज़ाइन हम पाँच डिज़ाइन बनाएंगे अभी एक और दो कम्प्लीट हुई तो इसी तरह से बनाए हम पंद्रह फंदे के बाद डिज़ाइन बनाया सत्रह फंदे के बाद फिर उसके बाद उन्नीस फंदे इक्कीस फंदे तेईस फंदे ठीक है उस तरह से कर लेते हैं बीच बीच में दो लाइन हम यहाँ पे ब्लैक की चलाएंगे जब हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी तो चलिए पांच डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद आगे दिखाती हूँ आपको तो यहाँ पे देखिए हमने ये पांच डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लिया हुआ एक दो तीन चार और ये पांच पांच डिज़ाइन बनाने के बाद हमने यहाँ पे देखिए फिर से ब्लैक कलर से हमने यहाँ दो लाइन बना के कम्प्लीट की हुई है प्लेन जो हमने ये लाइन ही बनाई थी ये लाइन हमने यहाँ पे बना के कम्प्लीट किए ये ग्रीन के बाद ब्लैक वाली उसके बाद हमने सीधी साइड से देखी और उल्टी साइड से दोनों साइड से मिलाते हुए हमने बॉर्डर लाइन कम्प्लीट किए जैसे मैंने बॉर्डर यहाँ पे बनाया हुआ था दोनों साइड से उल्टी उल्टी बॉर्डर बनाते हुए एक दो तीन चार और ये पाँच पाँच धारियाँ बना के हमने कम्प्लीट किए हुए अब इतना बनने के बाद हम दोनों साइड से फंदे को बंद कर देंगे तो उससे पहले हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं कि कितने फंदे हमारे सिलाई पर हैं तो दो चार छः, आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौंतीस छत्तीस अड़तीस चालीस बयालीस चवालीस छियालीस अड़तालीस पचास और ये बावन और एक तिरपन यानी फोर्टी थ्री फंदे हमारे यहाँ पे है भी ठीक है अब उल्टे साइड से सारे फंदों को हम यहाँ पे बंद कर लेंगे दो का एक करते हुए फंदे को यहाँ पे बंद कर लेंगे हम इस तरह से लेंगे दो का एक करेंगे वापस ये फंदा सिलाई पे चढ़ाएंगे फिर से दो का एक करेंगे सिलाई पे फंदा फिर से चढ़ाएंगे फिर से दो का एक करेंगे इस तरह से करते हुए सारे फंदों को हम बंद कर लेंगे चलिए तो बंद कर लेते हुए फिर सिलने का तरीका दिखाती हूँ कि कैसे आपको सिलना है तो यहाँ पर देखिए सारे फंदों को हमने यहाँ पर बंद कर लिया अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे फोल्ड करना है आपको अब यहाँ से सिलाई करते हुए देखिए इधर से सिलाई करते हुए चाहे इधर आ जाए या फिर सिलाई करते हुए यहाँ से लेके ऊपर तक आ जाए ठीक है जितना आपको सुविधा लगे पहले उधर ही हम सिल लेते हैं इसे तो इस तरह से लेंगे अब यहाँ से एक बार और तो हम इधर निकाल लेते हैं ताकि तो पक्का हो जाए इस तरह से अब यहाँ से सिलते हैं हम इधर तक आते हैं जैसे नॉर्मल सिलाई करते हैं बस उसी तरह से आपको सिलाई करना है हर एक चेन के अंदर इस तरह से डालते हैं हम इसकी सिलाई करेंगे इधर डालेंगे यहाँ पे और इस तरह से सिलाई कर लेंगे चलिए कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको सीधा करने के बाद कि ये लुक कैसी आई है और नाप के भी बता दूंगी कि नीचे का सोल कितना बना है ठीक है यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और इधर से यहाँ तक सिलेंगे तो देखिए इधर सिलाई हमने कर ली है सिलाई करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से सॉक्स की डिज़ाइन आएगी आगे साइड से कुछ ऐसे लगेगी अगर आप तीन साल के लिए भी बनाते हैं तो ऊपर भी आपको इतनी बड़ा से आपको शुरू करना है यानी कि थर्टी थ्री पंदे से ही शुरू करना है क्योंकि देखिए ये फैलने पर इतनी फैलती है ये फैल जाने पे आपको बॉर्डर दिखाती हूँ कि कितनी फैलेगी थोड़ी सी मैं लूज भी बुनाई करती हूँ इसलिए अगर इस तरह से करते हैं अगर फैलाते हुए तो देख सकते हैं कि तीन इंच के आसपास ये आ रही है फैलाने के बाद ठीक है इसलिए हम इसे ज़्यादा बंदों से नहीं बनाएंगे अगर आप बनाते हैं तीन साल चार साल के बच्चे के लिए अब नीचे से देख लेते हैं कि नीचे से कितनी है ये एडी से लेके यहाँ तक खींचेंगे देखिए साढ़े पाँच इंच आ रही है नीचे से खींचने पे तो ये आराम से दो साल के बेबी को आराम से आ जाएगा दो साल से ज़्यादा ही कोई आ जाएगा क्योंकि कि किसी कि 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 किसी के पैर थोड़ी छोटी होते हैं किसी की बड़ी तो देखिए बनने के बाद कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है ये तो आप भी बनाइए चलिए बनाने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें आप लोग चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो चलिए मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ थैंक यू